जल्दी निकलो। अरे माँ कसम भाई साहब, भवंडर भवंडर भाई रुक, बहुत ही बड़ा क्रैश हो गया भाई। इंडिया का हाईएस्ट लेक है ये। पूरा सूख गया मेरा। जय माँ काली, आय गौर काली। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है सीधा नॉर्थ सिक्किम लाचेन से। कल रात को हम कुछ इस तरीके का होटल पर रहे थे, वीडियो वगैरह एडिट करके ना आधा उधा ही वीडियो एडिट हुआ है क्योंकि रात को बहुत ही ज्यादा नींद लग गया था और रात को ना ये जगह पे काफी माइनस टेम्परेचर में चला गया था, दोनों का हालत पूरा खराब। और यहाँ पे ना एक भी नेटवर्क नहीं है बिकॉज हम लोग का ना जियो सिम है। तो आई डोंट नो आज का वीडियो पब्लिश कैसा होगा और मेरे माँ पापा टेंशन ले रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे, कॉल तो लग ही नहीं रहा है। तो कहीं पे एक अच्छा सा नेटवर्क जगह पे रुक के ना बात भी कर लेता हूँ, घर पे बोल देता हूँ कि हम लोग यहाँ पहुंच गए, आराम ठीक ठाक ही है। आज का कहानी ये है गाइस, आज हम जा रहे फिर एक ड्रीम राइड यानी कि टूर्स हमारा गुरु दोम्बर लेक। तो पूरा का पूरा हमारा सामान वगैरह पैक हो चुका है और अभी से ही हम लोगों ने ना रेनकोट लगा दिया बिकॉज कल भी हम लोग को भीग गए थे। बट रेनकोट लगाने से दो फायदे हैं, एक तो हम पानी से बचेंगे और दूसरा हवा नहीं लगेगा हम लोगों को। थोड़ा सा कमांडो की तरह नहीं लग रहा हूँ गाइस हम दोनों, देखो तो। चले भैया यहाँ से निकलते। ओए बाप रे भाई, फोन बज गया, अभी सीढ़ी के नीचे से गिर जाता मेरा। कल हम लोग दोर्जे रिट्रीट में रहे थे और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है। न्यू डे न्यू लाइफ। और ये रहा हमारा डेविल जो कि मैंने कोलिस्टर कर दिया हूँ, टैंग बैग भी यहाँ पे लगा दिया हूँ। अभी मेरे को ग्लव्स लगाना है और यहाँ से होना है हम लोगों को गायब। हम लोग इतना बड़ा गधा है ना गाइस, यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड है, हम लोगों ने ना गर्म कपड़ा ही नहीं लाया तो ठंड से ना हम लोग मर रहे है। चलो डेविल उठ जाओ, जन्नत का शेर करके आते। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बजरंगबली। गुरु दोम्बर जाके वापस ही हम लोग को ना, ये लाचेन है ना, हम लोग को लाचेन में रहना है बिकॉज कल हम लोगों को 0 पॉइंट जाना है। चलो सेफ राइड भैया, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। ओम नमः शिवाय। और गुरु दोम्बर में पहुंच गए ना, ज्यादा मस्ती नहीं करेंगे, 5-10 मिनट वहां पे रहेंगे, फोटो उठाएंगे, सिनेमैटिक वीडियो करेंगे, उसके बाद वापस ही आना है बिकॉज वहां पे हाई एल्टीट्यूड होने के वजह से ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो नॉर्थ सिक्किम लाचेन लाचुंग सारा है ना, सारा बुद्धिस्ट रिलीजन है। ये गलत रास्ता ला दिया, देखो ना भाई। आपका ध्यान कहाँ रहता है? हम तो अभी चले जाते हैं गलत रास्ता, घूमो। नहीं, होता है, कोई नहीं। और सच बता रहा हूँ गाइस, सुबह ना गाइस मेरा टॉयलेट ही नहीं हुआ, यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड है ना, वो जो होता है ना चुमुक चुमुक हो गया मेरा। और पानी भी इतना ज्यादा ठंड है, ऐसा हो रहा है कि लाइक ज्वालामुखी को मैंने टच कर लिया। और गाइस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज आने वाला ब्लॉग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोगों को सुबह 7 बजे निकलना था जो कि अभी टाइम 8 AM हो चुका है, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं पर कोई नहीं, आराम आराम से जाएंगे। खूबसूरत नजारा शुरू हो चुका है यहाँ से। मैं काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ ये सफर को गाइस, जिंदगी की खोज में निकले है, पता नहीं जिंदगी कहाँ लेके जा रहा है बट मुझे जहाँ तक पता है जिंदगी ना बहुत सही जा रहा है। और ये जिंदगी सही कैसे जा रहा है पता है? यू मेड इट पॉसिबल गाइस, नहीं तो मेरा लाइफ ऐसा नहीं होता। अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता ना तो पड़ा होता गांव के किसी कोने पे, बट आज जो यूट्यूबर बना हूँ और यूट्यूब में जितना प्यार मिलता है ना, मतलब तबाही, बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। ऐसे प्यार देते रहिए भाई, आपका भाई रुकेगा नहीं बिकॉज आई एम पुष्पा, कभी चुकेगा नहीं। वो वाटरफॉल देखो कितना स्वीट सा दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप पानी नीचे गिर रहा है। ओए ओए ये गड्ढा गुड्डी तो ये देखता ही नहीं है, आंख बंद करके क्रॉस कर लेता है ये। माँ मुझे गुरु दोम्बर लेक के बिना कुछ भी नहीं दिखे दे रहा। माँ ललिता मोनिका, ओ माय डार्लिंग, यहाँ पे रास्ता बन रहा है, देख रहे हो पहाड़ी लोग कितने मेहनती कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस ये नजारा चेक करे, बर्फीला पहाड़ देखने को मिल रहा है और स्नो फॉल ना काला पत्थर में हो रहा है, सब जन बोल रहे हैं बट काला पत्थर का हमने ना परमिट बनाया नहीं है, जाने का मन है यार, क्या करूं, स्नो फॉल देखने का बहुत ही मन है। गुरु दोम्बर लेक में तो नहीं हो रहा होगा शायद स्नो फॉल बट बर्फीला पहाड़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे काफी सारे राइडर्स आए है, आई थिंक ये राइडर्स लोग ना सारे के सारे कोलकाता से है। मजा आ रहा है सच्ची बता दो, बट थोड़ा सा कुछ हलचल मस्ती वस्ती करता हूँ ना सांस फूल रहा है भाई मेरा। अभी हम लोग लगभग हम लोग ना अभी 16,000 फीट के ऊपर आ चुके हैं। अभी तो मुझे भूख लगने लगा है, सुबह ना ओनली ब्रेड और चाय खा के निकला था, पहले गुरु दोम्बर लेक घूम के आ जाते उसके बाद कहीं पे मैगी वगैरह खाते। ओला बेबी इस क्रिप
मेरा सांस फूल गया गाइस। और कोई भी आते हैं ऐसे जगहों पे हाई एल्टीट्यूड में तो पॉपकॉर्न वगैरह अदरक लहसुन पुदीना चटनी वगैरह लेके आइएगा, उससे क्या होगा ना आपका ऑक्सीजन मेंटेन पर रहेगा। हमारे देसी भैया आ रहे हैं, देख रहे भाई एक्सपल्स ना बहुत ही मजा आ रहा है। ओए 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 मार का ओए, अभी जाता सीधा मेरा चक्का क्या स्लिप हुआ, रियल लाइफ एडवेंचर। मेरा सांस फूल रहा है गाइस, मैं क्या करूं, बट वे आर नेपाली कायर हुनु भन्दा मर्नु राम्रो। जय मा काली आय गोरखाली। ओ यक यक गाइस यक देखो यक, ओ खूबसूरत खूबसूरत। सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा गला पूरा सूख चुका है। ये साइड का पहाड़ देखो ना भाई, कितना काला काला पत्थर है, कुछ अजीब सा दिख रहा है, काफी यूनिक, पूरा का पूरा बंजर पहाड़ है गाइस। इंस्टा 360 का सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे, काफी अच्छा आएगा। और वो देखो ना बर्फीला पहाड़ कितना चमक रहा है ना गाइस। गर्ल्स एंड बॉयज, गुरु दोम्बर लेक, यहाँ से शुरू होता है गुरु दोम्बर लेक का रास्ता, जो कि यहाँ से ऊपर तक जाने में ना काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और यही जगह से अब शुरू होता है, ज्यादा मस्ती नहीं करना है, खाली जाके व्यू को देख के आना है। बहुत ही हाई एल्टीट्यूड है पता है, 18,000 फीट के ऊपर हम लोग जा रहे गाइस। कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। ये देख रहा गाड़ी वगैरह ना खींचना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज़्यादा पावर लगता है ऊपर जाने में। वो देखो आम मामा, वो गाड़ी बेचारा ऊपर ही नहीं आ रहा। ओम नश्वे जा 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 जा। चलो फुल पावर दे रहा हूँ बाइक को, देखो इतनी स्पीड है। वो भैया उधर से चले गए, हम इधर से जाते हैं, पूरा खींचना पड़ता है भाई, बहुत ही पावर लगता है ऊपर जाने में। मुगिरे दा दा, यहाँ का मिट्टी बहुत ही ज्यादा है, पूरा बाइक ना अंदर धस रहा है मेरा। देखो फुल पावर दे रहा हूँ बाइक, फिर भी चल नहीं रहा अच्छे से। ओए ओम नमः, कमाल कमाल, हम लोग कर सकते हैं। हेवन पर फाइनली, भाई साहब ये क्या नजारा है भाई, सच्ची में यार रियल ब्यूटी तो यहाँ है यहाँ। किधर से जाए रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये ऊपर से जाता हूँ। अरे 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 अम्मा चल, ओए बजरंग बोली रक्षा करना। Finally we reach Guru Dambar Lake guys. यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड है ना, अगर चाय मिल जाए ना तो बात बन जाए। सो या वंस अगेन वी हियर एट गुरु दोम्बर लेक, जो कि है 18,000 फीट ऊपर, इंडिया का हाईएस्ट लेक है ये। आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले नेपाल मुस्तांग गए थे, वहाँ का लैंडस्केप ब्यूटी कुछ अलग ही था, और यहाँ का लैंडस्केप और ब्यूटी चेक करें गाइस, मतलब अलग अलग रीजन का ना अलग अलग ब्यूटी है, माँ कसम चुम्मे वरी।
सच बता दूं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ना मेरा दम घुट रहा था। और कैसा लग रहा है देसी चाचा? Once again, New Gurudam Malik. We are blessed. Rock and देसी ब्लॉगर इन Gurudam Malik. सही बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन ना कभी ना टूटे एंड कुछ इस तरीके से बरकरार। हमारा कॉम्बिनेशन कभी ना टूटे और कभी ना छूटे, आपका प्यार बनाए रखे। हम दोनों नेक्स्ट लेवल तक इस पहुँचेंगे। And yeah, rock कैसा लग रहा है? I feel like मैं heaven पे हूँ। मेरे को मन करता है ना ये डाणा काड़ा पे ना घर बसा के ना शादी करके बीवी के साथ रह लूँ, अपना खेती बाड़ी करके ना एकदम नो इंटरनेट नो कनेक्शन नो झंझट एकदम असली नेचुरल जिंदगी जीना मुझे पसंद है। जो दिन के लिए कितना दिन के लिए एक दो दिन के लिए ये मैं हीरो कंपनी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट सच बताऊं गाइस, दिस बाइक इज चीप एंड बेस्ट फॉर टूरिंग। नेचुरल ब्यूटी यही है, यहाँ पे आप गुरुदोंबर लेकर लेक देख सकते हो, और इस तरफ टकला सा पहाड़ और इस तरफ पूरा बर्फीला पहाड़, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। एक महीने के अंदर ऐसा ऐसा राइड किया हूँ ना गाइस, जो कि मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। एंड जितने भी सारे मैंने राइड किया ना गाइस, यू मेड इट पॉसिबल। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं होता ना, आपका भाई आज ऐसे जन्नत वाले प्लेस में नहीं होता। सो ऐसे प्यार एंड सपोर्ट करते रहे ना, ब्लॉगिंग डेली ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगा, और घर जाके एक दो ठो पम टिकी टिकी पब्लिक में डांस भी करेंगे। मेरा सांस फूल चुका है, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। अम्मा दम घुट रहे, बट वो है नेपाली, विद नथिंग विल हैपन यार। हम लोग जितना स्ट्रांग है ना, और कोई नहीं है, बिकॉज बुद्धा भगवान हमारे साथ है। जे गर जोसो गर जत सुके लई जाओ मलाई, यो दिल ता मेरो नेपाली हो। बाय बाय गुरुदम्बर चाची, फिर आएंगे कभी। चले चले जल्दी निकलो। अरे मां कसम भाई साहब, भवंडर भवंडर भाई, जोगिंदर भाई यहाँ पे भी आ गए क्या? ए जोगिंदर, ये चक्कर भाई, अचानक से हमारे सामने आ गया था। अरे भागो चाचा, ओ देसी चाचा, भागो भागो भागो, बहुत ही बड़ा गोला बन रहा है। अरे भाई टॉर्नेडो देख रहे भाई, वो चेक करो आप, टॉर्नेडो देखो, टॉर्नेडो कितना बड़ा हो चुका है, गायब हो गया। देखो भाई रास्ता उस तरफ है, और आपका भाई किस रास्ते में चला रहा है, यह होता है एडवेंचर बाइक का फायदा। सो एक इस गुरुदम्बर से सीधा हम लोग लाचुंग में आ चुके हैं, बिकॉज कल हम लोग ना जीरो पॉइंट में जाने वाले यंथंग वैली। उससे पहले मैं अभी का सीन बता दूं, आज का जो वीडियो है ना गाइस अपलोड ही नहीं हो पाया, बिकॉज यहाँ पे ना नेटवर्क ही नहीं है। आज गुरुदम्बर वाला जो सफर था ना गाइस, उसके चलते ना मेरा शरीर ठीक है कि, बट ये जो सर है ना सर, इसके अंदर ना इतना ज़्यादा लाइक अलग से टाइप का ना दर्द हो रहा है, तो मैंने ना पैरासीटामोल दवाई ले लिया हूँ। आई होप कि कल मैं ठीक हो जाऊं, और आज का वीडियो एडिट नहीं किया मैंने, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ेगा, तो मैं सो रहा हूं। और देसी भैया जी, भाई क्या हाल चाल? बस बढ़िया, कल के लिए एक्साइटेड। आज गुरुदम्बर तो हमने एडिट कर दिए, एंड कल जीरो पॉइंट एंड बैक टू मंगन साहिब। होप फॉर द बेस्ट कि वेदर कंडीशन सही हो। अब वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आपका भाई का हालत ना थोड़ा सा खराब होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई होप कि कल तक मैं ठीक हो जाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कांची दिन रैक रैक रैक।